इन्विटेशन टू टेली दरगाह दादा। आप अपना नाम बताइए और कौन से सेट पे आप काम करते हैं ये बताइए। मेरा नाम संजय हजारे है, मैं श्री स्टार कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक हजारों में मेरी बहना। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ जी। मैं मानवी का, जीविका का, डब्बू का और माया का, इन लोग का सबका मेकअप करता हूँ। जी, तो ये सारे चेहरे अलग अलग हैं। हाँ, सब चेहरे अलग अलग। तो आप किन के चेहरे में क्या हाईलाइट करते हैं? जैसे कि मानवी है। हाँ। तो मानवी की क्या फीचर आप हाईलाइट करते हैं, जैसे आँखें हैं या लिप्स हैं, क्या हाईलाइट करते हैं? मानवी को काजल देगा तो उसकी आँखें हाईलाइट हो जाती है। जी, काजल देगा तो वो बढ़िया देगा। माया का लुक मतलब एकदम ये नेगेटिव रोल जैसा है जी। तो उसको ऊपर से लाइनर और नीचे से लाइनर और स्मोकी आईज है उसका जी। और स्मोकी आईज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ब्लैक यूज़ करेंगे। तो कैसे कॉर्नर्स पे यूज़ करेंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैसे आप उसकी आँखें ऐसे दिखाते हैं कि आपको उसको देख के ही लगे कि ये इंसान कुछ अलग रंग लेके आएगी? उसको साइड से ब्लैक करना पड़ता है और ऊपर से कटिंग देना पड़ता है जी। और ऊपर से लाइनर ब्रॉड करना पड़ता है, नीचे से काजल भी ब्रॉड करना पड़ता है, तो उससे आँखें खुल जाती है। डब्बू जो एक लड़का है, तो उसके लिए आप क्या मेकअप करते हैं? उसका तो नेचुरली मेकअप है, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जीविका का भी नेचुरल है लुक और वो मेन लीड है, इसलिए उसको सॉफ्ट आई शेडो, सॉफ्ट लाइनर जी और नेचुरल काजल जी और हल्का सा ब्लश ऑन, बस नेचुरल लुक है उसका। आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? मैं एक इंडस्ट्री में एक दोस्त के थ्रू आया जी। और वो देखा मैंने, उसके साथ काम किया एक दो महीना जी। फिर उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा होता है। तो आपने मेकअप का कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने मेकअप का कोई कोर्स नहीं किया, मैं दोस्त लोग के साथ दो तीन महीना सीख लिया, फिर ज्वाइन हो गया। आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कौन से ब्रांड यूज़ करते हैं? हम लोग टीवी सीरियल में गैरलाउन यूज़ करते हैं जी। और पिक्चर फिल्म रहती है तो मैक यूज़ होता है। तो अगर हम आम जनता के लिए पूछें तो कौन से ब्रांड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे हम हैं, हमें कौन से ब्रांड्स यूज़ करने चाहिए? आम जनता के लिए तो नेचुरली गैरलाउन बेस्ट है। हाँ जी, क्योंकि मैक अपने क्लाइमेट के हिसाब से सूट नहीं होता है। अच्छा। उसको एसी फ्लोर लगता है। अच्छा। तो अपने आम जनता के लिए गैरलाउन बेस्ट है। ये आसानी से मिल जाते हैं? हाँ, आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, आप अपने मेकअप किट में कौन सी एक एसेंशियल चीज़ होती है जिसके बिना आप मेकअप की शुरुआत ही नहीं कर सकते? फाउंडेशन। और वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, कैसा फाउंडेशन यूज़ करेंगे? थोड़ा डार्क यूज़ करेंगे, थोड़ा लाइट यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट मैचिंग स्किन को यूज़ करेंगे? स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा एक टोन ऊपर लेना पड़ता है। अच्छा, तो उससे ग्लो आता है। अच्छा, और लाइट भी तो ऐड करती हैं। हाँ। थोड़ा लाइट भी फेयर करते हैं। लाइट भी फेयर करते हैं। सही है। तो जब आप मेकअप करते हैं तो आपको क्या देखना पड़ता है? आपको कैरेक्टर देखना पड़ता है, लाइटिंग देखनी पड़ती है, या उस स्टोरी लाइन में क्या चल रहा है उस समय, उस हिसाब से मेकअप करते हैं आप? कैसे करते हैं? हम लोग को सब देखना पड़ता है कि सेट पे कैमरामैन के लाइटिंग के हिसाब से और उसके कैरेक्टर के हिसाब से दोनों की तरफ और स्टोरी सीन वाइज क्या लुक है क्या नहीं, उस तरफ सब देख के हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। कि क्रिएटिव लोग हमको थोड़ा नॉलेज देते हैं कि ऐसा उसको करना है, क्या करना है। चैनल के थ्रू से हम लोग को थोड़ा बता देता था। सही है। उस हिसाब से हम लोग आपको जैसे जीविका के लिए एक अलग लुक देना है, जैसे एक इंडियन लुक देना है। हाँ। क्योंकि वो ज़्यादातर इंडियन ही पहनती हैं। हाँ। सीरियल में। हाँ। तो आप कैसे उनको एक इंडियन लुक देते हैं? इंडियन लुक के लिए तो नॉर्मली शैडो और लाइनर एकदम पतला, बस सॉफ्ट मेकअप। और वेस्टर्न लुक जैसे माया को आप देंगे तो आप क्या करेंगे? उसको आँखें हाईलाइट करना पड़ता है और ब्लश ऑन थोड़ा नॉर्मल और लिप्स ग्लॉसी और शिमर विमर लगाना पड़ता है। तो आप क्या कॉस्ट्यूम के साथ भी उसको थोड़ा देखते हैं कि कॉस्ट्यूम क्या है, उसके हिसाब से रंग यूज़ की जाए? माया को थोड़ा कॉस्ट्यूम के हिसाब से ग्लैमरस लुक है। हाँ जी। तो उस हिसाब से कॉस्ट्यूम के हिसाब से शैडो भी थोड़ा ग्लैमरस करना पड़ता है जी। बाकी तो स्मोकी आई सेम रहता है। हमने सुना है आप थिएटर में भी थे, तो कुछ उसके बारे में बताइए। हम मैं पहला थिएटर कर रहा था, पृथ्वी थिएटर, यात्री ग्रुप में था मैं। अच्छा। मेरे को 16 साल हो गए इंडस्ट्री में,
तो मैंने यात्री ग्रुप से ज्वाइन किया था पहला। तो वहाँ पे भी क्या मेकअप का ही काम करते थे? वहाँ भी मेकअप आर्टिस्ट था। तो थिएटर, सीरियल और मूवी, उन तीनों में मेकअप के क्या क्या अलग तरीके होते हैं? थिएटर में थोड़ा ब्राइट मेकअप होता है क्योंकि स्टेज पे एक्टिंग करना पड़ता है और ऑडियंस एकदम क्लोज रहते हैं, तो इस हिसाब से ब्राइट करना पड़ता है। सीरियल में कैमरा और लाइटिंग के हिसाब से थोड़ा नेचुरल करना पड़ता है, और पिक्चर में और सॉफ्ट करना पड़ता है। क्यों सॉफ्ट करना पड़ता है? पिक्चर में बड़ा स्क्रीन रहता है, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक दिखता है। सही बात, बारीक बारीक चीज़ बहुत नज़दीक दिखती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू। वेलकम।